नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत और मैं हूं आपके साथ विजय विकास। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश चुनावी मोड में आ गया है। सभी गठबंधन सीट बंटवारे में अपने अपने सीटों को सुरक्षित करने में लग गए हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बिहार में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं सत्ताधारी दल ने इस फैसले का स्वागत किया है। RJD ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने के पीछे चुनाव आयोग का मकसद है कि पीएम मोदी को फायदा पहुंचाया जाए। पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में इससे लाभ मिलेगा। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि देश की बाकी एजेंसियां को जिस तरह से मोदी सरकार इस्तेमाल करती है, अब चुनाव आयोग भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों का भी ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि इस बार का चुनाव सच और झूठ के बीच है, कांग्रेस इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही मिश्रा ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराना थकाऊ और अव्यवहारिक लगता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें बार बार जुमलेबाजी करने का अवसर दे दिया है। ज्यादा चरणों में चुनाव होने से आम लोगों और प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं JDU ने इस मामले में सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने चुनाव की तिथि की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल फूंका गया है और युद्ध के लिए हम तैयार हो गए हैं। जो विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना तो जनाधार है, ना हमसे लड़ने की ताकत। विपक्ष डरा हुआ है और सहमा हुआ है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए अजय भारत, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।